बड़ी गाड़ी चलाने के लिए इतना सैलरी तक होती है दुबई के अंदर, तो चार नंबर लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं? अभी एक बंदा मेरे को मिला, वो बता था अभी 6 लाख रुपए लग गया। और फाइन वगैरह कितना आती है भाजी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और आप देख रहे हैं डीबीके दुबई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हैवी ड्राइवर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, कि दुबई में हैवी ड्राइवर भाइयों को कितना पैसा मिलता हैवी ड्राइवर लाइसेंस निकालने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, और हैवी ड्राइवर लाइसेंस का जो जॉब मार्केट है दोस्तों वो कितना मिलता है, जॉब मार्केट में कैसा सिचुएशन है, इसके बारे में उन लोगों से पूरा डिटेल में बात की हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और कोई भी अगर आप जानकारी चाहिए दोस्तों तो चलता है पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करें। आज के वीडियो में 15 साल का एक्सपीरियंस, दुबई का एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर साहब से हम बात करेंगे दोस्तों। दुबई में हैवी गाड़ी चलाते हैं वो, उनकी जो एक्सपीरियंस है और उनकी कितने सैलरी मिलती है, तो उनको क्या क्या मतलब दुबई में के अंदर क्या क्या इसका लाइसेंस बनाने में मुश्किल होती है या फिर आसान होती है, और उनकी जो लाइसेंस बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, और दुबई में इसका मार्केट में जॉब अवेलेबल कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ में पाजी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। कहाँ से हो आप? हम इंडिया पंजाब से। इंडिया पंजाब से। तो पाजी कितना साल हो गया आपको? हमको 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। ओके। तो गाइस 15 साल हो गया पाजी को, और पाजी बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप। हाँ जी। तो बड़ी गाड़ी बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने पूछा था पाजी की बड़ी गाड़ी चलाने के लिए मतलब कितना सैलरी तक होती है दुबई के अंदर में एवरेज में? बड़ा गाड़ी के लिए 4,000 से 5,000 तक सैलरी आता है। ओके। अच्छा, मतलब कंपनी का है, जैसे कोई कंपनी 4,000 दे रहा है। हाँ जी। हाँ जी। कोई 5,000 दे रहा है। हाँ जी। ठीक है। जिस तरह जैसा काम जैसे ज्यादा आदमी काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है। जी। तो मतलब कंपनी अगर अच्छी कंपनी मिल गया तो उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, 5,000 भी सैलरी आएगा। ओके। थोड़ा जैसा कंपनी का है ना। ओके। तो पाजी अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका कितना नंबर का ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरा 4 नंबर लाइसेंस है। 4 नंबर है। तो 4 नंबर लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं 4 नंबर में पाजी? 4 नंबर में ट्रेलर चला सकता है। ओके। और 6 व्हील गाड़ी चला सकता है, 6 व्हील डंपर जिसको बोलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो चला सकता है। ओके। बाकी अगर कंपनी का है तो कंपनी में तो कोई भी गाड़ी चला सकता है, कंपनी का मसला नहीं है कोई। ओके। छोटा भी चला सकता है, बड़ा भी चला सकता, बस नहीं चला सकता। अच्छा, इसमें बस नहीं चला सकता? बस नहीं चला सकता, बस के लिए लाइसेंस अलग। ओके। तो पाजी इसका अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम लोग खर्चे की बात करें तो कितना तक होगा पाजी इसमें? नॉर्मल एक मतलब एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अलग अलग है ना। अगर सही है आदमी को पूरा ट्रेंड है तो पहली ट्राई में भी बनता है, दूसरी ट्राई में भी बनता है। ठीक है जी, जी। तो अभी तो 6-7 लाख रुपए इंडिया का लग रहा है। ओ माय गॉड। ठेका भी कर रहा है, कुछ ऐसे भी बना रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है लग रहा है, अभी 2-6 लाख। जब हम बनाया था तब तो कम कम भी लगता था, ज्यादा पैसा नहीं। आपने कितने में बनाए थे पाजी? थोड़ा पैसे मिलेगा। तो ये इतना महंगा क्यों है भाजी? मतलब यहाँ से सीख सकते हैं ना हम लोग कि नहीं है? नहीं, सीख के भी फिर भी वो अभी सिस्टम और हो गया ना यहाँ, ऐसे चल रहा है। ओके। अलग अलग है। तो अगर दुबई का जो पैसा दिरहम में बताएंगे तो कितना तक लगेगा भाजी? जैसे दिरहम का आप लगा लो भी 6-7 लाख कितने में होता है। अच्छा, मतलब ये लगता है बहुत ज्यादा लग रहा है ना भाजी। अच्छा चलिए, कोई मतलब फिर भी बहुत सारे लोग जो है सीखना चाहते थे और उन लोगों को ये पता नहीं है कि कितना। बाकी ट्रेंड है बंदा कोई, मतलब अच्छा ट्रेंड है तो उसका कमती भी लगता है। अच्छा। लेकिन वो भी लोग बना रहे हैं जो उनसे हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि भाई 6 लाख लग रहा है, कोई बता रहा है 7 लाख लग रहा है। तो पहले हमारे कुछ अभी 4-5 साल पहले लोगों ने तो 4 लाख रुपए लगा। 4 लाख रुपए लेकिन जैसे हम लोग इधर काम कर रहे किसी कंपनी में ड्राइवर के नहीं, दूसरे कोई काम करे और करते करते सीखेंगे तो कम लगेगा ना उसमें? तो फिर सही है ना, उसमें सही है वो, इसके लिए सही है जो आदमी काम कर रहा है वो। जी, जी, जी। फाइल बनाया काम भी कर रहा है, लाइसेंस बना रहा है, उसके लिए सही है। जी, जी। अभी उधर से इंडिया से आएगा, नया आएगा, सिर्फ लाइसेंस के लिए आएगा तो उसका इतना खर्चा आएगा। तो मैंने पाजी सही, आपने सही बोला, मेरे को एक उस्ताद मिले थे, उन्होंने भी यही बोला था कि मतलब हम मतलब इंडिया से आते हैं और सिर्फ लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं। तो वही है ना, वो जो लिसेंस लगाने के लिए है उसका इतना खर्चा आएगा, जो आदमी इधर काम करता 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 है उसका तो सही है ना, काम भी कर रहा है उसका नहीं ज्यादा खर्चा, सैलरी भी आता है, तो वही खर्चा है जो लिसेंस पे पैसा लगेगा। जी जी जी।
तो भाजी इतना जब खर्चा होता है तो ये मार्केट में इसका जॉब वैकेंसी सब कितना मिलती है? वैकेंसी का भी ऐसा है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से वैकेंसी है ना। ओके ओके। अभी जो नया लाइसेंस बनाया उसको ये सैलरी नहीं उतना कंपनी देता, ठीक है। हाँ, कोई भी कंपनी एक्सपीरियंस मांगता है ना। हाँ हाँ, एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। दे दे। उसका दोस्त 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, करके देखेगा गाड़ी है ना अच्छा कंपनी, तो फिर उसको उठा देना जो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर भी सैलरी डिपेंड करती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हैवी ड्राइवर के लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है पाजी दुबई के अंदर में? मुश्किल तो कोई नहीं है। अच्छा, बाकी ड्राइविंग तो फिर ड्राइविंग है ना। हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल नहीं है कोई ऐसा। और फाइन वगैरह कितना आती है पाजी? मतलब फाइन का तो ये आपके ऊपर ही है ना, आप अगर सही ड्राइव कानून के हिसाब से चलोगे तो फाइन नहीं आएगा, अगर कानून से गलत चलोगे तो फाइन आएगा, ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब सही आपने बताया कि अगर रूल फॉलो करेंगे, जो उनका कानून है कानून से चलेंगे, स्पीड है, जो भी हर चीज का फॉलो करेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम उनका कानून फॉलो नहीं करेंगे तो फाइन तो आएगा। तो इसका टाइमिंग भी है हैवी गाड़ी का? हाँ, टाइमिंग है, रोड जो है और नोटरी है, हर चीज का मतलब चीज देखना पड़ेगा, गाड़ी का आपका लाइट है, टायर है, क्योंकि वहाँ आप इंडिया में वहाँ पे तो नहीं है ऐसा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टायर नहीं चेक करता, कोई लाइट नहीं चेक करता। सही, यहाँ हर चीज पूरा प्रॉपर चेक करेगा वो। सही बात है, सही बात है। तो पाजी अगर कोई आदमी बंदा अगर सीखना चाहे तो अगर कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए तो इतना मतलब मुश्किल नहीं होगा, इतना पैसे ज्यादा नहीं लगता होगा? उसके मुश्किल नहीं है, जो काम कर रहा है आदमी वो आराम से बना सकता है। ओके ओके, ऐसा मुश्किल। तो अगर जैसे मार्केट में अगर जॉब की बात करें तो पाजी नए आदमी के लिए थोड़ा कम पैसे मिलेंगे, यही नए के लिए थोड़ा मुश्किल तो है ही थोड़ा। हाँ, लेकिन हो जाता है फिर आदमी जैसे जैसे भी, हम भी तो नए थे जब पुराने हुए, जान पहचान हो जाती है। और तो आप लोग कितने घंटे की ड्यूटी रहती है बड़ी गाड़ी के? हमारा 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटे ड्यूटी। ओटी का सिस्टम होता है? नहीं है, ओटी का सिस्टम होता है, ओटी ओवर टाइम आपको मिलना है ये सब? हाँ, वो अलग अलग कंपनी का सिस्टम है ना, कोई कंपनी दे रहा है कोई नहीं दे रहा, जिस कंपनी का किसी का नहीं है 12 घंटे ड्यूटी, किसी का मतलब भी है। Okay. तो इसका ट्रिप सिस्टम भी होता है ना। सही, बड़ा गाड़ी में ट्रिप है, अलग अलग सिस्टम। बड़ी गाड़ी में एक ही आदमी है पाजी आप? हाँ, ये ड्राइविंग यहाँ पे जो है दुबई में जो है गल्फ में तो एक ही ड्राइवर है, एक ही ड्राइवर है, लेकिन इंडिया नेपाल अगर पाकिस्तान की बात करें दो दो आदमी चलते हैं। यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिंगल ही ड्राइवर है। पाजी का जो है बेड भी आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत यहाँ पे सजाया है बेड और बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे पाजी ने वो ये अपना मिनी घर बना लिया पाजी, है ही भी एक घर ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाजी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे, तो बहुत सारे आदमी को काम आएगा। तो बहुत सारे, आपका नाम नहीं बताया पाजी? आपका रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह जी, कहाँ से आप? पंजाब से? हाँ, इंडिया पंजाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू।